इस वीडियो में मैं अपने हेयर फॉल जर्नी को शेयर करने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आप लोग में सभी को बहुत हेल्प मिलेगा, जिससे आप भी अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि ये पिक्चर्स देख सकते हैं, ये मेरे कॉलेज के टाइम का था, जिन इन सब मिस्टेक्स के वजह से ही मेरा बहुत सारा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। ये मेरा प्रीवियस पिक्चर्स आप देख सकते हैं, जिसमें मेरा हेयर का कंडीशन काफ़ी अच्छा था, मगर मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, जिसके वजह से मेरा हेयर फॉल बहुत बढ़ गया और धीरे धीरे मेरा बालने शुरू हो गया। इन सब गलतियां आप ना करें, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, मेरा रिसीडिंग हेयर स्टार्ट हो चुका था। उसी समय अगर मैं केयर करता तो मेरा इतना ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं, उस समय का ये लगभग 2012-13 का पिक्चर्स है, देख सकते हैं इस वीडियो पिक्चर्स में रिसीडिंग हेयर क्लियरली दिख रहा है। स्टार्टिंग फेज जो होता है वो रिसीडिंग हेयर ज़्यादातर लोगों में जो है साइड का रिसीडिंग हेयर से ही होता है, बहुत कम लोगों में ही है जो बीच में हेयर का डेंसिटी जो है वो कम जाता है, और बाकी सब लोगों का ज़्यादातर लोगों का जो साइड का रिसीडिंग हेयर होता है वही कम रहा होता है। और उसी समय अगर वो अपने हेयर फॉल को कंट्रोल कर लेते हैं तो उनका बालनेस काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ गलतियाँ मिस्टेक्स करते हैं जो सब लोग, जिसका वजह से ये बाद में जाके बालनेस का रूप ले लेते हैं। तो आप लोग ये गलती ना करें, इसके लिए आप ये पूरा वीडियो देखें, जिसमें मैं कुछ कुछ अपनी गलतियों को बताने वाला हूँ, जो आप ना दोहरा के अपना हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, आप जो अपना हेयर में है ऑयल यूज़ करते हैं वो मॉर्निंग में यूज़ ना करें, क्योंकि मैं भी ये मिस्टेक करता था। मॉर्निंग वगैरह में हेयर लगा के मैं बाहर निकल जाता था, जिसके वजह से धूल वगैरह इसमें लगने का वजह से मेरा हेयर जो है और ज़्यादा डैमेज होता था। तो आप कोशिश कीजिए, जो है ऑयल लगा रहे हैं वो आप कोशिश कीजिए वो नाइट के टाइम पे लगाएं, और उसे भी अच्छे से शैम्पू करके हटा दीजिएगा। अगर चिपचिपाहट की वजह से आप जब बाहर निकलेंगे तो कोई भी डस्ट वगैरह जो और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा आपके हेयर की तरफ, और इस वजह से आपका हेयर और ज़्यादा डैमेज होगा। सेकेंड पॉइंट है, आपका जो हेलमेट यूज़ करेंगे वो ध्यान से यूज़ कीजिएगा। कहने का मतलब ये था कि आप अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हर 15 मिनट में वो हेलमेट को ओपन करके अपने हेयर को जो है फ्रेश हेयर मिलने का कोशिश कीजिएगा। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो और एक काम कर सकते हैं, एटलीस्ट आप जो रुमाल होगा वो कॉटन का रुमाल जो है उससे पहले हेयर को आप बांध लीजिए। इससे ये होगा कि आपका जो हेयर से निकलने वाला पसीना वगैरह है वो डायरेक्ट हेलमेट पे नहीं लगेगा, और हेलमेट का जो ख़राब डस्ट वगैरह है वो आपके सर पे नहीं लगेगा। हम रुमाल को तो डेली वॉश करते हैं, लेकिन हमारे हेलमेट को तो हम नहीं करते, जिस वजह से उसके अंदर में जितने भी ख़राब चीज़ें वो सब हमारे बालों में लग जाता है। तो आप इसको अवॉइड कीजिए, आप एक रुमाल को यूज़ कीजिए जिसको आप रेगुलरली धो रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे ही हमारा हेयर फॉल बढ़ जाता है तो हम सबसे बड़ा मिस्टेक ये करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं, जिसके वजह से हेयर फॉल कमने की जगह और ज़्यादा हो जाता है, और उस हेयर फॉल को रोकने के लिए हम तरह तरह के केमिकल्स भी यूज़ करते हैं, जिनके वजह से हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इन सब को यूज़ मत कीजिए, अपना हेयर को जो है, अगर हेयर फॉल आपको स्टार्ट हो रहा है तो लॉन्ग हेयर रखने से अवॉइड कीजिए, शॉर्ट हेयर रखिए, और जितना कम हो सके उतना केमिकल को कम यूज़ कीजिए, और जेल वगैरह रेगुलरली यूज़ ना कीजिए। अगर पार्टीज़ वगैरह हैं तभी यूज़ कीजिएगा, और हेयर स्ट्रेटनर हेयर ड्रायर तो यूज़ ही मत कीजिएगा अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो। अगर आप अपना वेट को तेज़ी से वेट इंक्रीज़ कर या डिक्रीज़ कर रहे हैं तो इसमें भी हमारा हेयर लॉस बहुत देखा जाता है, क्योंकि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप अगर न्यूट्रिशन सही सही नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आपको बालों पे अफेक्ट करेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि हेयर वेट लॉस अगर कर भी रहे हैं तो यू धीरे धीरे कीजिएगा, न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और वेट इंक्रीज़ भी कर रहे हैं तो इसका भी बुरा प्रभाव आपके हेयर पर गिरता है। तो आप कोशिश कीजिए, जो भी कर रहे हैं आप आराम से कीजिएगा, एक बार में करेंगे तो ये आपके हेयरों पे बहुत इफ़ेक्ट गिरेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोगों को पता नहीं रहता, लेकिन हम लोग में सबसे ज़्यादा विटामिन डी की कमी आ जाती है, जिसका कारण है हम मॉर्निंग वॉक वगैरह नहीं कर पाते हैं, जिसका वजह से हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा विटामिन डी की कमी हो जाती है, और ये सबसे पहले हमारे हेयर पर ही डैमेज करता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि हम हमेशा मॉर्निंग में एटलीस्ट वीकली 4 डेज भी होने से होगा, लेकिन मॉर्निंग वॉक करने का कोशिश कीजिएगा, और अपने न्यूट्रिशन का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, और वाटर जो है वो
डिहाइड्रेट ना हो, इसलिए आप हमेशा वाटर जो है 3 लीटर एटलीस्ट पर डे का कंज्यूम कीजिए। अगर ज़्यादा हो रहा है तो को भी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 3 लीटर तो पर डे आप कंज्यूम कीजिएगा। हमारे हेयर फॉल का सबसे बड़ा कारण विटामिन्स की कमी से ही होता है, तो आप जितना हो सके उतना विटामिन्स का कंज्यूम कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें कमी खराबी नहीं है। अगर आप नहीं पूर्ति कर पा रहे, उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप सप्लीमेंट्स ले लीजिए, चाहे वो ओमेगा हो या मल्टी विटामिन्स हो, वो ज़रूर आपने मेयर कर दीजिएगा। आप रिवाइटल भी यूज़ करते हैं, वो भी आपका पर डे का ऑलमोस्ट कंज्यूम हो जाता है। हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बालों को छोटा छोटा रखने के बजाय हम लोग हेयर फॉल का टाइम में पूरा टकला हो जाते हैं, ये भी गलती ना कीजिएगा। आप हमेशा डेली अगर रेगुलरली टकले होते रहेंगे, जो आपके जो बेबी हेयर टाइप के हेयर रह जाते हैं वो आपके टकले होने बार बार होने की वजह से उसके बाद से वो आना ही बंद कर देते हैं। तो इसका वजह से आपका जो बेबी हेयर है, जो शायद आप कुछ कुछ यूज़ करके उसको और न्यूट्रिशन प्राप्त करके उसको आप ग्रो कर सकते थे, वो चांस आप गंवा देंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि हेयर छोटा छोटा रखिए, लेकिन पूरी तरह से टकला मत होइए, ये भी आपके बाद में जाके बालनेस का कारण बन सकता है। आप में से बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि टकले हो जाए, गंजे हो जाए, हेयर फॉल रुक जाएगा। अरे यार, गंजे हो जाएगा तो हेयर फॉल रुकना नहीं, हेयर रहेगा ही नहीं तो हेयर फॉल तो रुक ही जाएगा। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि हेयर जो है आप छोटा छोटा करके रखें, ताकि हेयर फॉल जो है कम से कम हो। और इस बीच ही आप ओनियन वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके अंदर सल्फर की कमी है तो वो ओनियन से भी आपका फुलफिल हो सकता है। और ये वीकली कोशिश कीजिए कि एग वाइट से, मैंने वीडियो डाला हुआ वो देख सकते हैं, एग्स वगैरह आप अपने हेयर पे भी लगा सकते हैं। और मेनोक्सिडिल का जो है यूज़ इतना जल्दी ना करें, आप पहले कोशिश कीजिए होम रेमेडीज से ही शायद आपका सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप सबसे पहले होम रेमेडीज जितना भी है, मैं इसके ऊपर और भी एक वीडियो बना दूंगा, तो उन सबको आप पहले ट्राई कीजिए, अगर हो सकता है उसी से आपका हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल हो जाए। आप कोशिश कीजिए कि हेयर फॉल आप कंट्रोल करने की कोशिश करें, नया हेयर जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस होगा। आप सबसे पहले हेयर जो गिर रहा है आपका उसको कंट्रोल कीजिए, ताकि आपका जो बालनेस होते जा रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकेंगे। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब भी बार्बर के पास जाते हैं, वो लोग उल्टा फुल्टा केमिकल आपको देते हैं कि इससे बाल आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो उसको तो एकदम ही यूज़ ना करें, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट देखते हैं और आपको उल्टा फुल्टा सजेस्ट करते हैं। हाँ, अगर डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा, लेकिन आपका जो बार्बर है वो आपको अगर कुछ चीज़ सजेस्ट कर रहा है तो उस पर एकदम ही बंद करके यकीन ना करें, क्योंकि वो उन लोगों को आपके बालों से नहीं, उनके प्रोडक्ट को सेल करने से मतलब है। तो वो सेल करने के लिए ही आपको ये सब बोल रहे हैं, आपके बालों से उनको लेना देना नहीं है, तो उनका तो कभी मत सुनिए। कोशिश कीजिए आप, अगर ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइएगा, तो उनसे वो हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है, आपके वो बार बार से नहीं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।